हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नाइफ रफल बनाना सीखेंगे। तो मैंने डेमो के लिए ये जो स्ट्रेट पट्टी ली है, आपको जिस पे भी बनाना हो, फ्रॉक के लिए या जैसे स्कर्ट हो उसके लिए अगर आपको रफल बनाना हो तो वो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये रफल बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का पेपर लिया है, तो इसकी हमने चौड़ाई ली है। सवा इंच, आप चाहे तो डेढ़ इंच, दो इंच भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सवा इंच लिया है। तो इसे हम बनाने के लिए पहले यहाँ पे रखेंगे। आपको जिस भी फैब्रिक पे बनाना हो तो आप इसे इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से रखने के बाद हम इसे यहाँ से एक सीधी लाइन लगाएंगे। अभी हमने ये जो सीधी लाइन लगाई इसके साइड में हम इस तरह से इसे रखेंगे और इसे हम इस तरह से उठाएंगे ये साइड का कपड़े को। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। इस तरह से अब हम इसको मशीन पे लगाएंगे। इसे अब हम हटा देंगे, इस तरह से धीरे से निकालेंगे। अब हम ये देखिए, ये जो नीचे की लाइन है यहाँ से हम वापस इसे रखेंगे, इस तरह से इसके लाइन के बराबर रखेंगे हम और वापस इसे इसके ऊपर करेंगे। तो यहाँ तक आए तक इसे हम इसे वापस हटा देंगे। इस तरह से और जो यहाँ से नीचे का जो है इसके बराबर हम इसे रखेंगे और यहाँ से साइड का कपड़ा हम इसके ऊपर लेंगे इस तरह से। और इसे हटा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम बाकी के सारे रफल बनाएंगे। आप चाहे तो इससे छोटा भी ले सकते हो, बड़ा भी ले सकते हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो इसकी चौड़ाई। ऐसा करने से ये हमारी जितनी भी सारी रफल्स है एक जैसी आएगी। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, सब एक जैसे हमें रफल्स आई है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये सारी रफल से एक जैसी आई है। ये देखिए इस तरह से। आप चाहे तो इसे बड़ा भी ले सकते हो। ऐसी रफल्स फ्रॉक में, ड्रेस में यूज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों के फ्रॉक में यूज कर सकते हैं इसे। इस तरह से हमने ये रफल्स तैयार किए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।